आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने बताया कि जो बजट वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया ये किसानों के साथ धोखाधड़ी है, विश्वासघात है, चुनावी शगुफा है। इसमें ये बात इसलिए कही गई है कि 2014 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि वो लागत से डेढ़ गुना किसानों को मूल्य देने का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने बजट का इसके अंदर कोई भी आवंटन नहीं किया है। अगर बजट का आवंटन करना होता, मतलब जो हमारा इसकी जो कमेटी थी स्वामीनाथन कमेटी, उसने जो सिफारिश करने का काम किया था वो C2+50% की बात कही थी। C2 का मतलब ये है कि जो किसान की लागत लगती है, खाद है, बीज है और इसके अंदर मजदूरी है, वो सब लगा करके और उसमें FL मतलब फैमिली वेजेस लगा करके, मतलब अभी जो दिया जा रहा है वो A2 FL दिया जा रहा है। और जो वित्त मंत्री ने कहा कि हमने तो देना शुरू कर दिया, जो वायदा किया उसे पूरा कर दिया जी। और वास्तविकता ये है कि आज पूरे देश में समर्थन मूल्य कहीं पर भी किसानों को नहीं मिल रहा है। तो जब यही समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा और जब आप अगर इस बात की गारंटी नहीं दोगे कि जो आप डेढ़ गुना कह रहे हो वो किसानों को मिलेगा, तो इस घोषणा का कोई अर्थ नहीं हुआ। और दूसरा काम इन्होंने ये किया कि लागत की परिभाषा बदल दी, लागत C2 की जगह पर ये A2 को दिखाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। तो जो किसानों के साथ धोखाधड़ी है उसके खिलाफ में 12 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में पूरे देश में 1000 जगहों पर हम जो इसकी बजट की प्रतियों को जलाने का काम करेंगे और पूरे देश के अंदर धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह, आम सभाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करने का काम अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के अंदर जो 191 संगठन है, जो इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इतने किसान संगठन एक साथ आए हैं, तो हम लोगों ने मिल करके इस तरीके का फैसला किया है।